आकांक्षा, यही परफेक्ट मौका है अपने ड्रामे को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। सारी पैकिंग हो गई, एक बार मानव जी आ जाएं तो निकलते हैं। ओ, ओ, ये तो आकांक्षा की आवाज। आकांक्षा, 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 खून, आकांक्षा। दरवाजा खुला है, कुछ दिख भी नहीं रहा। कहाँ गए सब लोग? साक्षी, यथु, आकांक्षा, मामा, मामा, आपको फिर से वॉमिट हुई क्या? फिर से मतलब? मामा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। मम्मी, आप यहाँ? आकांक्षा, मेरी बच्ची। आकांक्षा, आकांक्षा, आंटी जी, आकांक्षा को खून की उल्टी और चक्कर, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी जी प्लीज, आप संभालिए अपने आप को। मम्मी जी चलिए इसे बेड पे ले चलते हैं। ये तो बेटा, आप डॉक्टर को कॉल करो फटाफट। मेरी बच्ची। आंटी जी सब ठीक हो जाएगा, हम सब हैं आपके साथ। कुछ ठीक नहीं होगा बेटा, डॉक्टर ने इसे। डॉक्टर ने क्या? आंटी जी इसमें डॉक्टर का नंबर है? नहीं, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। साक्षी, पहले एक बार आकांक्षा की रिपोर्ट्स पढ़ लो। रिपोर्ट्स पढ़ लो? स्टमक कैंसर? आंटी जी संभालिए अपने आप को, हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। ऐसे डायग्नोसिस को किसी एक डॉक्टर के भरोसे सही नहीं मान सकते। मैंने कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हुए देखे हैं। मैं अभी किसी बड़े हॉस्पिटल से आकांक्षा की अपॉइंटमेंट लेती हूँ। लगता है ये मेरा भांडा फोड़ कर ही रहेगी। भगवान जी प्लीज बचा लो। और आप मम्मी यार, आंसू बहाना बंद करो और रोको इसे। मेरे पास एक डॉक्टर का नंबर है, मैं अभी अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। रुक जाओ बेटा, अब कोई फायदा नहीं है। ये तू और मैं जब हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर चोपड़ा ने कहा था कि ये ट्यूमर अब लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। सर्जरी करने पर ये और भी तेजी से बढ़ सकता है। और शायद आकांक्षा के पास जो कुछ थोड़े दिन बाकी है वो इससे भी पहले। साक्षी बेटी, मैं अपनी बच्ची को और दर्द में नहीं देख सकती। तू जानता था कि आकांक्षा के पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे। क्या
बात है मम्मी, फाइनली आपने अपनी बेटी के लिए कुछ तो किया। इस साक्षी ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। झलक तू कैरेक्टर में ही रहे, अब चाहे ये दुनिया रुक जाए तेरी एक्टिंग नहीं रुकनी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.